नमस्कार दोस्तों, तो किसी दूसरे के व्हाट्सअप का चैट आप अपने फ़ोन में कैसे पढ़ सकते हो, चलिए आज के इस वीडियो में इसी पर हम बात करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरे इन रखिए, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों इसके लिए आपके फ़ोन में कोई सा भी व्हाट्सअप होना चाहिए, ठीक है, और ये व्हाट्सअप पूरे अप टू डेट पर होना चाहिए, तभी आप में ये वर्क करता दिखेगा, अन्यथा नहीं दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास जो व्हाट्सअप होना चाहिए पूरे अप टू डेट पर होना चाहिए, ठीक है। अगर अप टू डेट पे है तो आप कुछ इस तरीके से व्हाट्सअप खोलिए और व्हाट्सअप खोलने के बाद जो जो मैं विधि बताऊंगा वैसे वैसे कीजिए, आप काफ़ी आसानी से आप दूसरे का चैट अपने फ़ोन में पढ़ सकते हो। और यह बेसिक सा और सिंपल सा तरीका है, इसमें आपको कोई भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगने वाला है, तो आप बड़े आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और बताता हूँ कि आपको करना क्या होगा। तो आपको सबसे पहले व्हाट्सअप खोलना है और व्हाट्सअप खोलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से मेरे यहाँ पर व्हाट्सअप खुल गया और मेरा यहाँ पर जो थीम है उसके बदौलत से इसका जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। यानी मेरे पास भी एक नॉर्मल सा ही व्हाट्सअप है, ठीक है। और MI के फ़ोन में ये होता है कि अगर आप थीम भी यूज़ करते हो तो उसकी वजह से आपका व्हाट्सअप का कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी वजह से इसका कलर चेंज है। उसके बाद मेरा कुछ इस तरीके से व्हाट्सअप यहाँ पर देख सकते हो और यहाँ पर मैंने जो भी चैट किया हुआ किसी दूसरे फ़ोन में काफ़ी आसानी से पढ़ सकता हूँ। कैसे पढ़ना है उसके लिए आपको सिंपल सा ट्रिक यहाँ पर अपनाना होगा। तो अगर आपका व्हाट्सअप पूरे अप टू डेट पर नहीं है तो आप में ये चीज़ें होता हुआ नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर पूरा अप टू डेट है तो कुछ इस तरीके से खोलिए और खोलने के बाद आप किसी का भी चैट पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने उसे बताया भी था कि किसी का भी चैट पढ़ा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, अपने यहाँ पर किसी का भी प्रोफाइल खोल लेना है, ठीक है। और कुछ इस तरीके से खुल गया और मान लीजिए कि इसका मुझे जो भी चैट है वो सारा पढ़ना है, ठीक है, मैंने इससे क्या क्या बात वगैरह की है, ठीक है। तो इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना होगा, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और 3 डॉट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर जाना है मोड पर, ठीक है। और मोड पे जाने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारा सेक्शन दिखेगा, ठीक है। सबसे पहला सेक्शन है रिपोर्ट का, ब्लॉक का, क्लियर चैट का, उसके बाद है एक्सपोर्ट चैट का, उसके बाद है ऐड शॉर्टकट। अगर आप ऐड शॉर्टकट कीजिएगा तो आपके होम स्क्रीन पर ये वाला जो चीज़ें हैं वो आपके आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाना है एक्सपोर्ट चैट पर, ठीक है। इससे होगा क्या, तो आपका जो चैट है वो एक्सपोर्ट होकर कहीं अलग चला जाएगा, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिए कुछ इस तरीके से और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन पूछेगा कि आपको मीडिया लेना है या फिर नहीं लेना है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने जो भी फोटो या फिर वीडियो वगैरह इधर उधर किया है अगर उसे भी मैं इंक्लूड रखना चाहता हूँ या फिर नहीं रखना चाहता हूँ, इसके लिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो आप किसी पे भी क्लिक कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर करता हूँ इंक्लूड मीडिया, ठीक है। और ये करने के बाद ये सारा यहाँ पर कॉपी हो चुका है और यहाँ पर सारा यहाँ पर पूछ रहा है कि आपको कहाँ पर ले जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर शेयर मी के द्वारा आप किसी दूसरे फ़ोन में भी सेंड कर सकते हो, उसके बाद टेलीग्राम के भी किसी प्रोफाइल या फिर किसी को भी भेज सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर ड्राइव में भी सेव कर सकते हो, ईमेल के थ्रू भी भेज सकते हो, उसके बाद ब्लूटूथ के थ्रू भी भेज सकते हो, यानी यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन हो जाता है। तो आपके यहाँ पर करना क्या है, तो ऐसे जो भी मैंने यहाँ पर प्रोसेस बताया वैसे करने के बाद यहाँ पर सारा चीज़ कीजिए। उसके बाद अगर आपको व्हाट्सएप पर ही पढ़ना है तो आपको करना क्या है, तो व्हाट्सएप को सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए जो भी आपने वहाँ पर कॉपी किया है या फिर एक्सपोर्ट करने की कोशिश किया है उसको ले जाकर आप किसी ग्रुप में या फिर मान लीजिए कि आप दूसरे फ़ोन में पढ़ना चाहते हो तो उसका नंबर यहाँ पे रख के उस पर आपको सेंड कर देना है, ठीक है। मैं यहाँ से करता हूँ, अपना एक ग्रुप है उसमें यहाँ पे सर्च करता हूँ और इसमें सर्च करने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट सेंड करना है, ठीक है। जैसे ही सेंड कीजिएगा तो जो भी आपने वहाँ पर चैट वगैरह किया है वो सारा वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। और टाइमिंग के साथ जाता है, मतलब अगर आप डिलीट कर दिए रहोगे तो भी वहाँ पर पहुँच जाता है, ठीक है। तो यही यहाँ पर इसका ट्रिक है कि किसी दूसरे के व्हाट्सअप का जो भी चैट वगैरह आप काफ़ी आसानी से यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, किसी का भी प्रोफाइल खोलना है और किसी का प्रोफाइल खोलने के बाद वहाँ पर आपको टैप करना, 3 डॉट पे मोड पे जाना है और उसके बाद यहाँ पर करना एक्सपोर्ट चैट करना है। इसके बाद आपको मीडिया रखना है या फिर नहीं रखना है यहाँ पे डिपेंड करेगा, अगर आपको मीडिया रखना है तो भी ठीक, ना रखना है तो भी ठीक। दोनों बटन है, आप दोनों में से किसी पर क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद आपको जहाँ भी पढ़ना है, जिस माध्यम से भी पढ़ना है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है, बड़ी आसानी से। तो मैंने यहाँ पर जो भी ट्रिक बताया वो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फिर कोई सुझाव लेना है फिर देना, डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाना होकर आप हमसे हेल्प ले सकते हो। धन्यवाद।